नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2006 QQ-23 नाम के एक ऐसे एस्ट्रॉयड यानी कि उल्का पिंड का पता लगाया है जिसका कि जानकारी के अनुसार यह 10 अगस्त को धरती से टकरा सकता है। वैज्ञानिक चिली स्थित दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन के जरिए इस पर नज़र बनाए हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे इसके खतरे को लेकर अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। नासा नए सिरे से इसके आकार प्रकार को नापने में लगी हुई है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के मुताबिक अगस्त महीने की 10 तारीख को यह धरती के बेहद करीब यानी कि 0.04977 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से गुजरेगा और इसकी धरती से टकराने की संभावना भी है। वैज्ञानिक इसके खतरे को कम करके नहीं देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इतना बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाए तो एक देश को ख़त्म कर सकता है। साल 2013 में मेंच चेलियाबिंस्क में एक एस्ट्रॉयड टकराया था जिसकी वजह से 66 फीट का गड्ढा हो गया था। दक्षिणी यूराल क्षेत्र में हुए इस टकराव के कारण काफ़ी नुकसान पहुँचा और करीब 1500 लोग घायल हो गए थे। अब नए 2006 QQ-23 एस्ट्रॉयड को चेलियाबिंस्क में टकराए एस्ट्रॉयड की तुलना में 7 गुना ज़्यादा बड़ा होने की आशंका जताई गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य रूप से एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त उनका द्रव्यमान कम हो जाता है। खास बात यह है कि नासा जिस एस्ट्रॉयड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है इसे वैज्ञानिकों ने 21 अगस्त 2000 को पहली बार देखा था, तब भी इसके धरती से टकराने की आशंका जताई गई थी। वैज्ञानिकों ने तब लगातार 10 दिनों तक इस पर नज़र रखी थी। यह धरती के काफ़ी करीब आ गया था लेकिन इसके बाद यह उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। अब नासा के वैज्ञानिकों को यह एस्ट्रॉयड दोबारा नज़र आया है। तो दोस्तों, यह थी एस्ट्रॉयड QQ-23 के बारे में जानकारी जिसके धरती से टकराने की काफ़ी संभावना है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।